तो पिछली वीडियो मैंने आपको फिफ्थ एग्जांपल करवा दिया था सडनली अप्लाई लोड का, ठीक है। इस वीडियो में सिक्स्थ एग्जांपल आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। बात सिक्स्थ एग्जांपल में क्या हुई, सडनली अप्लाइड ओडी है, सडनली एप्लीकेशन, सडन एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2P/4 कर रखा है उन्होंने, आपने ट्राई करना है। सेवन छोड़ दो आप, सेवन्थ नहीं करना आपने, सेवन छोड़ दें आप, एट्थ भी रहने दो, करना चाहो कर लेना, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत जरूरत नहीं है। लेकिन नाइन्थ एग्जांपल मैं पढ़ दूँ आपके लिए, आपने करना है खुद ये ट्राई है। नाइन्थ एग्जांपल में वो क्या कहते हैं, थोड़ा थर्ड स्टाइल आएगा इसमें, कहते हैं माइल्ड स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी इसमें 2 मीटर गिवन है, वो अच्छी बात है, 2000 मिलीमीटर हो जाएगा, इतने में डायमीटर, यहाँ से मेरा एरिया आ जाएगा, यहाँ से मेरा वॉल्यूम भी आ जाएगा, मिला के मैंने बता दिया अच्छे से। हैंग्स फ्रीली, फ्रीली हैंग है ये, एंड हैज़ अ कॉलर, उसके ऊपर कॉलर है फर्मली फिक्स्ड विद अ लोअर एंड, नीचे कॉलर फिक्स कर दिया। डिटरमाइन द इंस्टानटेनियस इलोंगेशन, डेल्टा एल निकालना है मुझे इसमें, ठीक है, ऑफ द बार इफ द लोड इज, लोड दे दिया 250 न्यूटन का, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉल्स ऑन द कॉलर फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मिलीमीटर, ये हाइट आ गई, एच आ गया यहाँ से, मतलब स्ट्रेस जो निकलेगी वो इम्पैक्ट लोड के अकॉर्डिंग निकलेगी। टेक इज इक्वल टू दिस, तो सारी बातें सही है, एरिया मैं निकाल लूंगा, मैं बुक में बताया थोड़ा सा स्ट्रेस, मैंने स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला को लिखवाया था, P/A (√1+√2AEH/P×L, सारा डाटा आपको गिवन है, सारा वैल्यू पुट करते जाओ, कैलकुलेटर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा। डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला सिग्मा पी एल अपॉन ई था ना, वो σl/e हो गया, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे मैंने, (l/e), बस यही बात है। थोड़ा ये वाली बात देखना कि ये किसी हाइट से गिर रहा था, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल आप चाहो तो ट्राई कर लेना, मैंने आपको सारा बता दिया आपको अच्छे से, सारी बातें बार बार वही रिपीट हो रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर सेकंड यूनिट रेजिलिएंस।